श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग की 12 अद्भुत कथाएं। इस शो में मैं सांत्वना आप सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पावन क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान पहला होना चाहिए। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। ये ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है उसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की तरह मान्यता प्राप्त है। तो आइए जाने उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी पौराणिक कथा। आज की उज्जैन नगरी पूर्व काल में अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी और शिव भक्त ब्राह्मण रहता था, जिनका नाम वेद प्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वो वरदान के अहंकार में धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण ने अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया। वो ब्राह्मण को कर्मकांड करने से मना करता था। वो धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उससे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी बिनती पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वो परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर बालक बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उसे बहुत कौतूहल हुआ। उसमें भी इसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने की इच्छा जाग उठी। घर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। थोड़ी देर बाद माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, लेकिन बालक था कि पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वो टुकड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वो बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति ये भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला
तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बहुत भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की आठवीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके घर तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। तो ये थी महाकालेश्वर की कथाएं। यदि आपको ये कथाएं पसंद आई हैं, तो कृपया इन्हें शेयर करना ना भूलें। क्या आप ये दोनों कथाएं पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 12 ज्योतिर्लिंगों की सभी कथाएं जानने हेतु सुनिए बिंज पॉड्स ऐप का ओरिजिनल शो 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं।